अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आई एम आल्सो डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम जा रहे हैं मनोड़ा फॉर व्लॉगिंग, और दिखाते हैं आप लोगों को भी वहाँ जाके, क्योंकि नया पार्क वगैरह बन गया है। बिल्कुल मैंने सुना है दुबई टाइप का जगह बन चुकी है वहाँ पे। तो मनोड़ा जाने के लिए हमें पहले आना पड़ता है किमाड़ी। तो अभी हम आए हैं किमाड़ी पोर्ट पे, पीछे आप देख रहे हैं पीछे बोट वगैरह हैं। तो यहाँ से बोट में बैठ के और फिर जाएंगे। बोट का जो लोकल फेयर है वो है 100 रुपीज़, और जो अगर आप प्राइवेट बुक करवा के जाते हैं तो उसके 1000 रुपीज़ हैं। ये वीक डेज में है, और अगर वीकेंड पे जाएंगे तो शायद 2000 है, ऐसा मैंने सुना था। तो आई ट्राई टू कम हेयर ऑन वीकेंड वीक डेज, क्योंकि वीकेंड पे बहुत रश भी होता है। तो चलते हैं बाकी और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो अभी हम बैठने जा रहे हैं बोट पे ये, और हम अभी बैठे हैं बोट में। तो अभी वेट हो रहा है जब फुल हो जाएगी बोट, जैसे बस होती है ना, बस फुल होती है फिर चलती, इसी तरह यहाँ बोट फुल होगी तो फिर चलेगी। लोगों ने कचरा वगैरह फेंका हुआ है यहाँ पे भी, फिर से भी सुकून नहीं होता कि यार क्या नाम है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं बोट में बैठा हुआ हूँ और अभी हम जा रहे हैं मनोड़ा, और यहाँ से कोई 10 मिनट का रास्ता ही नहीं। चलें जी व्यूअर्स, हम मनोड़ा आइलैंड पहुंच गए, अब यहाँ उतरेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट बोर्ड मनोड़ा फ्री टिकट सामने टेबल पे लेगा मनोड़ा एंट्री टिकट, यहाँ का भी एंट्री टिकट और वहाँ पार्क में भी जाके। अच्छा ये मनोड़ा का एंट्री गेट, और अंदर जाते जाते ये इसने मुझे रोका कि यार यहाँ पे टिकट ले लो। तो ये 20 रुपए का टिकट है यहाँ पे भी, मतलब यार हद है। अभी वहाँ पार्क जाएंगे, वहाँ पे भी 50 रुपये पता नहीं कितने का टिकट है अंदर जाने का, तो ये टिकट नहीं है। ये वहाँ से हम आए हैं और यहाँ पे छोटा सी मार्केट है के व्यूअर्स। तो वहाँ मनोड़ा से एंटर होने के बाद मनोड़ा गेट से जहाँ टिकट लिया था, तो वहाँ से एंटर होने के बाद बाहर जो है वो सुजुकी वगैरह खड़ी नहीं है, कुछ रिक्शे है ना, तो कह रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाना है 3 किलोमीटर मनोड़ा बीच तक। तो मैंने गूगल किया तो इट वाज 900 मीटर, और पैदल जाना ज़्यादा ठीक है क्योंकि बीच में शायद एक मंदिर वगैरह या कुछ ऐसे एरिया भी आते हैं तो वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो दैट्स गुड, चलते हैं। तो हमने कहा चलो पैदल ही चलते हैं। अच्छा ऐसी जगहों पे आप किसी से रास्ता पूछें ना, वो भी जो है वो होता है कि गलत बता दे। अभी यही हुआ था, एक बंदे ने आगे जो है वो रास्ता गलत बता दिया। वो तो हम गए नहीं, जा रहे थे, तो जाते जाते वो दूसरे ने, एक ने देखा कि आवाज़ देके खुद ही बोल रहा है वही वही किधर जा रहे। तो फिर मैंने पूछा तो उसने कहा उधर से नहीं, इधर से जाओ, इधर से शॉर्टकट है। हमने कहा भाई अच्छा, वैसे हो सकता है वो रास्ता भी हो, उसने तो बताया था। हाँ वैसे वो लाइट हाउस नज़र आ तो रहा है, और शायद कोई मज़ार भी है। वहाँ से अगर आए ना हम यहाँ पे अंदर ऐसे चले जाएं डायरेक्ट, तो जो है वो टिकट देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उधर से पार्क में जाएंगे
तो फिर हमें टिकट दे के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर हम यहाँ से जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट जा सकते हैं। बताओ, पहुँच गया समंदर पे? कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी तो यहाँ पर हैं, अभी तो करीब जाना है। हाँ, अभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं इतनी दूर, है ना? वो देखो सब लोग खड़े हैं ना, अभी जाएंगे वहाँ पे। ओह, कौन बहजाता है। तो ये मनोड़ा बीच पहुँच गए हम। अच्छा व्यूअर्स, तो ये मंदिर है काफ़ी पुराना, और आई डोंट नो अंदर जाने का रास्ता यहाँ पे, शायद पीछे से इधर कहीं। चलिए व्यूअर्स, ये मनोड़ा बीच हम पहुँच चुके हैं, और बस अब अंदर जा रहे हैं, टिकट लेंगे। व्यूअर्स, तो यहाँ पे ये मनोड़ा बीच पार्क की टाइमिंग मेंशन है, और ये यहाँ पे अंदर जाने का टिकट पर पर्सन 50 और बच्चों में 20। अच्छा व्यूअर्स, तो हम मनोड़ा बीच पार्क के अंदर एंटर हो चुके हैं, और ये गेट है मेन एंटर होने का, और 50 रुपये पर पर्सन टिकट है और बच्चों के 20 रुपये। ये जो यहाँ पे हट्स बने हुए हैं इसका 500 रुपये किराया है। इसके अलावा ये यहाँ पे भी बेंचेस वगैरह लगी हैं, अच्छा बैठने का इंतज़ाम है, लाइट्स हैं, रात के टाइम भी यहाँ पे लाइट्स ऑन होती होंगी, और बड़ा अच्छा रात का व्यू होता होगा। तो ये बड़ा अच्छा पार्क बना दिया है हमने, बच्चों के झूले आके लगे हुए सामने। अच्छा भाई, काफ़ी ज़्यादा थक गए हम यहाँ पहुँचते पहुँचते, और बहुत टाइम हो गया है, ये टाइम हो गया, मैंने सोचा था इस टाइम तक जो है हम निकल जाएंगे वापस, लेकिन घर से ही एक दो चीज़ देर में निकले उसके बाद, अरे यार क्या कर रहे हो, और उसके बाद फिर अब यहाँ पहुँचे। वहाँ से यहाँ तक भी तो समझो हमें घंटा लग गया मनोड़ा बीच तक आने में। तो बैठे हैं हमने वहाँ पे मनोड़ा के, नहीं खिमाड़ी पे, फिर वहाँ खिमाड़ी पे हमने समोसे लिए थे, तो अभी हम वो खाएंगे, भूख लगी हुई है। बाकी फिर चलते आगे बीच साइड पे भी। अच्छा व्यूअर्स, तो समोसे खाने के बाद तो गुजारा ही नहीं हुआ, उसके बाद हमें यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ा कुछ, तो हमने अभी आएगा तो फिर कुछ खाएँगे। इसके अलावा यहाँ मैं आपको दिखा दूँ जब तक यहाँ का एरिया, ये अभी भी शायद कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, बचरी बड़ी हुई है इधर, और ये झूले हैं सारे बच्चे यहाँ पे, बच्चों के साथ घोड़े भी झूल रहे हैं। तो ये अच्छा बन गया यहाँ पे बस। Thank you.
मजा आ रहा है शेर? वाओ। वहां से लेके काफी आगे तक मतलब बना हुआ है, सारे हट्स जो बने हैं ना। बहुत अच्छा बन गया माशाल्लाह। वेल व्यूअर्स, समोसे से तो गुजारा हुआ नहीं था, हमने यहाँ पे जिंगर रोल और फ्राइज ऑर्डर किया, तो जिंगर रोल तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और पराठे और पूरी की जगह जो है वो रोटी मेरे प्लेट के अंदर दे दिया, बिल्कुल सूखा है। वो तो समोसे की चटनी थी हमारे पास, तो ये कि उससे हम खा रहे हैं, तो टोटली अनरिकमेंडेबल फ्रॉम माय साइड। अच्छा व्यूअर्स, ये यहाँ पे वॉशरूम, अगर आपने जाना हो ना तो उसको भी 10 रुपये दें आप। मतलब एक तो हम चीज़ देकर आ रहे हैं उनको, ऊपर से फिर पैसे भी देकर आए, बहुत गलत बात है। अच्छा भाई व्यूवर्स, वॉशरूम से होकर तो आ गए, लेकिन हर जगह चोरी और लूट मचाई हुई है। अभी पूछ रहा था बाहर के, आप 3 लोग हैं? मैंने बोला हाँ भाई हम 3 हैं। तो कहने लगा 60 रुपये दे दो। मैंने कहा क्यों, बाहर तो 10 रुपये लिखे। अच्छा 30 दे दो। मैंने दे दिया भाई, अब कोई बोलने वाला थोड़ी होता है यहाँ पे। नो थैंक यू। तो ये हालात हैं यहाँ पे, हर जगह चोरी लूट और मचाई भी है। फिर हम बोलते हैं हुक्मरान चोर हैं, खैर सभी चोर हैं यहाँ पे। आए चलें अब समुंदर की तरफ चल रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है हमें आए हुए, तो समुंदर पे आए और समुंदर में ना जाएं तो फिर क्या मजा। और उधर झूले की साइड भी जाना है, तो ज़रा जल्दी जल्दी से उधर से हो लेते हैं और फिर यहाँ से चलें। लेट्स गो। अच्छा भाई व्यूअर्स, तो यहाँ झूले लगे हुए थे, तो हमने कहा चलो कभी कभी तो मौका मिलता है तो बैठते हैं, झूला झूलते हैं। तो यहाँ मज़ा आ रहा है झूला झूलने में। वाह, आखिर मैं देखो कितना ऊपर जा रहा हूँ। ट्रांजिशन बन जाएगी ना। अच्छा मैं तो बहुत ऊपर जा रहा हूँ। अच्छे कहाँ बैठे हो, किस पे बैठे हो? असली वाले ऑर्डर पे बैठे हैं, बताओ। हाँ भाई व्यूअर्स, तो देख रहे हैं मैं बीच पर यहाँ पहुंच चुका हूँ, तो ये काफी ऊंची लहरें हैं और लेकिन मजा बहुत आया है और पता ही नहीं चलता जैसे अभी जो है वो वहां तक है, तो एकदम से पूरी ऊपर तक भी आ जाती है।
हाँ जी, आप ये कहाँ बैठे हैं? मिट्टी पर। क्यों, क्या पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा था? अच्छा, व्यूअर्स, तो इस वीडियो की जो आवाज़ है वो म्यूट हो गई थी क्योंकि मेरा माइक की बैटरी डाउन हो गई थी। तो इतनी अच्छी कन्वर्सेशन थी मेरी और आशिक की यहाँ पे, तो लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो सकी। बट आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। एक्चुअली ये जो हैं एक बार पानी में गिर चुके थे तो ये इनको डर लग रहा था। तो आई वॉज आस्किंग हिम कि कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? तो इनके फेस एक्सप्रेशन देखें आप, और लेकिन इनके जो अल्फाज थे वो ये थे कि हाँ मज़ा आ रहा है, लाइक बिल्कुल डरे हुए अंदाज में ना। तो वो बड़ी अच्छी एक कन्वर्सेशन थी, बट वो नहीं रिकॉर्ड हो सकी। अच्छा, इसी तरह ये क्लिप भी है, इसमें भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, और लेकिन आप देखें फेस एक्सप्रेशन आशिक के और क्या बोल रहे थे। ये शायद डर लग रहा है या पानी देख के बस ये भाग रहे थे, और बड़ी अच्छी वीडियो थी ये भी, बट अनफॉर्चुनेटली वॉइस नहीं रिकॉर्डेड। अच्छा, इसी तरह ये मेरा भी क्लिप था, इसकी भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। इसमें भी मैं ये कह रहा था कि सनसेट हो चुका है और मूनराइज हो चुका है और अब चलने का टाइम हो चुका है। तो इसी तरह का इट वॉज समथिंग। तो बस ये माइक की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, मेरी माइक की बैटरी डाउन हो गई थी। तो बस वरना इधर भी बड़ी अच्छी ऑडियो आती, पीछे समंदर की भी आवाज़ थी और एक नेचुरल आवाज होती। अच्छा भाई व्यूअर्स, तो लाइट वगैरह तो काफ़ी लगी थी यहाँ, लेकिन जो मैंने उस वक्त दिखाई भी थी कि लाइट रात में जलती होंगी, बड़ा अच्छा व्यू होता होगा, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही सब कुछ डन हुआ है। इवन के वॉशरूम में ना लाइट है और ना पानी मिला, तो दैट्स नॉट फेयर। यहाँ की इतनी अच्छी हर चीज़ बनी है जब से, तो फिर मुझे लग रहा है इसका भी यही हाल हो जाता है बाद में कोई। और अंदर वॉशरूम के भी कोई अच्छे हालात नहीं थे, हालांकि बना हुआ अच्छा है लेकिन उसकी कोई सफाई वगैरह कुछ नहीं था। तो ये हालात हैं यहाँ के। बस अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। यहाँ की मार्केट है, और ये क्या है? अच्छा, ये पार्किंग एरिया है यहाँ का, और इसके भी 100 रुपये बस और वैन के हैं, कार टैक्सी के 50 रुपये हैं, रिक्शा मोटर बाइक के पता नहीं कितने हैं, 30 होंगे 20 होंगे कितने। और ये गोट फिर हमारे साथ साथ आ गई है। अच्छा भाई व्यूअर्स, पता नहीं मेरी शक्ल तो शायद नज़र नहीं आ रही क्योंकि अंधेरा हो रहा है बस यहाँ। तो अच्छा, तो ये है कि उधर किमाड़ी तक जाने के लिए जब हम वहाँ से अभी यहाँ पहुँचे हैं तो ये मुझे दूसरी जगह लगी ना, यानी दूसरा एरिया लग रहा है, वो वाला नहीं है जहाँ हम आए थे। तो मैं यहाँ पहुँचा, मैंने यहाँ पूछा नेवी के, तो मंडे बैठे थे आर्मी के, तो कह रहे हैं नेवी की बोट जाएगी यहाँ से, वो जो सिविलियन वाली है वो इस तरफ नहीं आती, वो उस तरफ आती है, और उधर से आपको वहाँ से कहीं से घूम के जाना पड़ेगा, ये हम ना इस तरफ आ गए। तो खैर, अब यहाँ पहुँच गए तो यहीं से जाएंगे, क्योंकि अब वापस चल के जाना और वो बड़ा मसला है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:45 हो रहे हैं, और जैसे उठ के 8:30 तक बोट आएगी, तो हम 8:30 तक बोट में बैठेंगे, तो हम वहाँ 9:00 पहुँचेंगे, और हाँ बस जल्दी से घर पहुँच जाएँ फिर इससे। अच्छा
अभी वीवर्स, तो हम किमाड़ी पहुंच चुके हैं और वेट करना पड़ा हमें वहाँ पे थोड़ा लंच के लिए, क्योंकि हम नेवी की तरफ पहुँच गए थे, नेवी के वहाँ बोट आती हैं। बट यह है कि अच्छा हुआ क्योंकि पता भी चल गया हमें वाला रास्ता, और नेवी की बोट ज़्यादा बेहतर थी, बल्कि कोई फेयर भी नहीं था ना उनका वहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से जाते टाइम भी जाया जा सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं था, वरना हम सब भी जा सकते थे। तो अभी बस ये मैं अच्छा, लेकिन उन्होंने ना वीडियो नहीं बनाई थी रस्ते में, शायद नेवी की बोट थी इस वजह से, तो रस्ते में अच्छे खासे जो है वो शिप वगैरह खड़े हुए थे, बोट थी लॉन्च से, बड़ा अच्छा व्यू लग रहा था नाइट व्यू, लेकिन उसने बस वीडियो नहीं बनानी थी। खैर अभी बस अब चलते हैं, यहीं मैं व्लॉग एंड करूँगा। बाकी कैसा लगा व्लॉग आप लोगों को तो ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर दें जिसने अभी तक नहीं किया, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें प्लीज़। बहुत मेहनत करता हूँ और आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया। हाँ चले चलते हैं व्लॉग। हाँ भाई अब बता दो व्लॉग एंड करने वाले हैं, तो बताओ मज़ा आया? मज़ा आया अरे बीच पे, समंदर पे, बोट में भी और बीच पे भी। समंदर पे? समंदर पे नहीं आया। क्यों? बोट पे आया। समंदर पे क्यों नहीं आया? मैं गिर गया था इसलिए। गिर गए थे? तो क्या वो उठ भी तो गए थे ना, उठे भी तो थे, उठ भी तो गए थे है ना, तो मजा तो आया। आया कि नहीं आया? नहीं आया भाई, इनको मजा नहीं आया। लेकिन वो वाली वीडियो आपने देखी, उसमें ये कह रहे थे मजा आया मजा आ रहा है, लेकिन डरे डरे हुए बड़े मजे थे ना, अब मजा आ रहा है। चलो भाई अच्छा बोल तो दो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बोल दो ना, इतनी सारी वीडियो बनाई है तो बोल दो गंदे लड़के। चलो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और एक ही व्लॉग को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें।